शनिवार को ब्लॉक संसाधन केंद्र जागीर पर 10 बजे खंड शिक्षा अधिकारी मुनिंद्र कुमार ने शिक्षकों के साथ पौधारोपण शुरू किया। अमरूद, आम, शहतूत, जामुन आदि के बीआरसी केंद्र परिसर में पौधे रोपित किए। बीएसए मुनिंद्र कुमार ने बताया कल ब्लॉक के सभी विद्यालयों पर 1600 पौधों का पौधारोपण कराया जाएगा। वृक्षारोपण से प्राकृतिक वातावरण शुद्ध होता है और कहा, इस समय कोविड की वजह से ऑक्सीजन में कितनी कमी हुई है, पौधारोपण से ऑक्सीजन सही मिलेगी, वातावरण शुद्ध होगा। इस मौके पर संजय यादव, कृष्णकांत, संत कुमार, बलजीत कौर, रामसेवक राजपूत, योगेंद्र चौहान सहित दर्जनों की संख्या में शिक्षक मौजूद थे। क्या नाम है सर आपका? मनिंद्र कुमार। सर पद? खंड शिक्षा अधिकारी। सर आज क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पे? आज बीआरसी पे जो है वृक्षारोपण का कार्य हुआ है। करीब 100 के लगभग पौधों का रोपण यहाँ हुआ है। बाकी जो कल विद्यालयों में 1600 पौधों का रोपण किया जाएगा, उसके लिए पौध उठान का कार्यक्रम होगा। सर आप वृक्षारोपण के बारे में क्या बताना चाहते हैं? वृक्षारोपण से प्राकृतिक जो वातावरण वो शुद्ध होता है। शुद्ध जो इस समय देखा कोविड की वजह से ऑक्सीजन की कितनी बड़ी समस्या हुई है, तो इस वृक्षारोपण से शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होगी, वातावरण ठीक रहेगा, लोग अच्छा अनुभव करेंगे। पौधों से ही जो तापमान जो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वृक्षारोपण से ही वर्षा होती है, वृक्षों से ही तमाम प्रकार की आवश्यकताएं हैं जो पूरी होती हैं।